एप्लीकेशंस ऑफ एम्परोमेट्रिक एनालिसिस। एम्परोमेट्रिक अपन ने बेसिक प्रिंसिपल देखा था कि इसमें क्या करते हैं, अपन एक कांस्टेंट पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर किसी भी रीज़न से या किसी भी केमिकल रिएक्शन से या किसी भी रिएजेंट को ऐड कराने से अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव मटेरियल कम होती जाती है तो डिफ्यूजन करंट भी कम होगा। और इसमें ग्राफ प्लॉट किया जाता है डिफ्यूजन करंट और वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट एडेड के बीच में। तो ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या है। एम्परोमेट्रिक एनालिसिस जो है ये रिडॉक्स टाइट्रेशंस की एनालिसिस या उसकी स्टडी करने के लिए काम में आती है। ऐसी टाइट्रेशंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है उसकी स्टडी करने के लिए एम्परोमेट्रिक एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। उसमें इस तरह से कुछ एक ग्राफ मिलेगा डिफ्यूजन करंट और वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट एडेड के बीच में, जो है इस तरह से ग्राफ मिलता है और जहाँ पे भी दोनों लाइंस का जो है इंटरसेक्शन होता है उसको अपन जो है एंड पॉइंट कहते हैं। सेकंड जो है ये ऐसी रिएक्शंस जिनमें न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब जहाँ पे उदासीनीकरण होता है और कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन होता है, मतलब ऐसी अभिक्रियाएँ ऐसी टाइट्रेशंस जिसमें संकुल आयन का निर्माण होता है उनके एनालिसिस करने के लिए एम्परोमेट्रिक मेथड को यूज़ किया जाता है। थर्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे कोई रिएजेंट जैसे मान लो डाइमिथाइल ग्लाइकोजिन को निकल आयन के साथ ऐड करके प्रेसिपिटेट बना दिया तो उनकी एनालिसिस करने के लिए, या ऐसी जो भी अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप बनता है उनकी स्टडी करने के लिए एम्परोमेट्रिक टाइट्रेशंस को यूज़ किया जाता है। फोर्थ क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है, क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड की एनालिसिस करने के लिए एम्परोमेट्रिक टाइट्रेशंस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कैडमियम की, जब टाइट्रेशन कराते हैं EDT के साथ, और कैडमियम का अगर माइक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें कैडमियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, तो उनकी एनालिसिस भी अपन एम्परोमेट्रिक टाइट्रेशंस के द्वारा कर सकते हैं। इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में एज ए माइक्रो डिटेक्टर यूज़ किया जाता है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग टाइप के डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं, उन्हीं कुछ डिटेक्टर्स में से एम्परोमेट्रिक टाइट्रेशंस को एज ए माइक्रो डिटेक्टर यूज़ किया जाता है। और एम्परोमेट्रिक टाइट्रेशंस को लास्टली क्या है कि ये कार्ल फिशर मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के अंदर ये टेक्निक वाइडली यूज़ की जाती है। इसको कार्ल फिशर मॉइस्चर मेथड के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है एक टेबल, वो टेबल अपने को बता रहा है कि कौन कौन से जो है सब्सटेंस के अपन एनालिसिस कर सकते हैं एम्परोमेट्रिक टाइट्रेशन से, कौन कौन से रिएजेंट ऐड करेंगे और इलेक्ट्रोड किस टाइप का होगा। फर्स्ट देखो इलेक्ट्रोड है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। अगर मान लो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड और रिएजेंट मिला देते हैं पोटेशियम क्रोमेट, तो इससे लेड आयंस और बेरियम आयंस की एनालिसिस कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट को ऐड करके सल्फेट आयंस फ्लोराइड और क्लोराइड की एनालिसिस कर सकते हैं। 8-hydroxyquinoline को ऐड करके मैग्नीशियम जिंक और जो है कॉपर आयंस की एनालिसिस कर सकते हैं। क्यूफेरन को ऐड करके कॉपर आयंस और आयरन को जो है एनालिसिस कर सकते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को ऐड करके जिंक आयंस की एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं वो है रोटेटिंग प्लेटिनम, ये इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं। रिएजेंट मान लो ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट, तो इससे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड और साइनाइड आयंस की एनालिसिस कर सकते हैं।